आप इनको जानते हैं? एक्सक्यूज मी, नहीं मैं नहीं जानता। और अगर ये पिक्चर दिखाए तो? ये भी नहीं जानता हूँ। सर ये राजन विचारे, आप राजन विचारे को जानते हैं? नहीं मैं नहीं। और नरेश मस्के को भी? नाम सुना है लेकिन जानता नहीं। तो आप किसको इस बार लोकसभा इलेक्शंस में देखना चाहते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है, आज के डेट में तो सब एक हो चुका है, कोई भरोसा नहीं है कौन कब किधर जाएगा, किधर पलटी मारेगा। बट किसी का कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई ऐसा फिक्स जो होता है ना सिद्धांत, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी टाइम शिवसेना कैन बिकम बीजेपी, बीजेपी कैन गो टू शिवसेना एंड दे कैन बिकम वन, लाइक व्हाट वी आर सीइंग इन महाराष्ट्र नाउ। ओके, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये जो राजन विचारे जी हैं वो यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के शिवसेना की तरफ से है, एंड जो नरेश मस्के हैं वो उनका अलायंस बीजेपी और एकनाथ शिंदे की तरफ से है। तो अब आप ये अलायंस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन आ सकता है? देखिए इस बार इफ़ यू सी दी टोटल जो है ना, द वॉइस ऑफ कस्टमर, वॉइस ऑफ पीपल, यू कैन से जाना तो इनको ही है, मोदी एंड टीम को ही। ओके, सो जो एकनाथ शिंदे प्लस बीजेपी प्लस द अदर्स, सो दे आर गोइंग टू विन फॉर दिस टाइम, देयर इज नॉट नो डाउट ऑन दिस। उद्धव ठाकरे एक्चुअली अगर थोड़ा सा उनका वो हो गया कि द वे ही हैंडल द पार्टीज एंड ऑल द पॉलिटिक्स वॉज नॉट गुड, सो अगर वो सही से हैंडल होता तो डेफिनेटली उद्धव ठाकरे वुड हैव बीन फर्स्ट चॉइस। So according to you, BJP gonna win? Yeah, BJP is going to clearly win this. So there is no doubt actually, and that is also on the name of Modi only. If you ask, nobody is local, no any local leader is doing perfect work actually. So everybody is playing on the name of Modi. Okay. आप ये picture देखो, क्या आप इनको जानते हो? नहीं। और ये वाली picture? बिल्कुल नहीं। थाने के MP हैं ये। Okay. राजन विचारे, 10 साल से MP हैं। अच्छा। कभी आपने इनको यहीं देखा है? नहीं। और इनके बारे में बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा के दूसरे कैंडिडेट है, इनका नाम है नरेश मस्के। ओके, तो इनको भी नहीं जानते आप? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर शिवसेना, ये है शिवसेना उद्धव ठाकरे के तरफ से और ये बीजेपी और शिवसेना शिंदे के तरफ से, तो अगर मैं बोलूँ आपको शिवसेना वर्सेज उद्धव की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना, तो आप वोट किसको? एकनाथ शिंदे की टीम, क्योंकि इनका बीजेपी के साथ भी गठबंधन है। तो अगर आप आपकी साइड है एक कि आपको किसको चुनना है, तो आप किसको चुन के लाना है? एकनाथ शिंदे। यस, इनको जानता हूँ ना। कौन है ये? ये शिवसेना का भी लोकसभा के उम्मीदवार नरेश मस्के जी है। और इन्हें? ये अपने राजन विचार, ये पूर्व MP है। तो अगर नरेश मस्के वर्सेस राजन विचारे होगा तो आप किसके सपोर्ट में रहेंगे सर? पहली बात तो ये देना बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी पब्लिक तो होशियार है, वो सब जानता है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है वोटिंग, किसको चुन के लाना है, किसको नहीं, वो सब जानती है। कैसा है कि अभी ये सब ये राजनीति गंदी राजनीति हुई है, तो कैसा क्या बोले, किसके बारे में क्या बोले, ये सोचना पड़ता है अभी। तो मेरे हिसाब से राजन विचार ने पहले से यहाँ पे काम किए होते तो आई थिंक पब्लिक उनको यहाँ पे सपोर्ट करता था, लेकिन नरेश मस्के जी को भी पैसा अभी वोटिंग करेंगे नहीं करेंगे वो भी डाउट है, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं नरेश मस्के जी यहाँ पे कौन है करके। ठीक है, तो कैसे है, नया चेहरा है तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी के नाम पे इनको नरेश मस्के जी को वोटिंग जाएगा मेरे हिसाब से लगता है। तो जैसे कि आपने नाराजगी की जो बात कही है कि लोग जानते ही नहीं है, ये नहीं है, काफ़ी लोग को उम्मीद था कि संजीव नायक जी आएंगे एज अ कैंडिडेट, और काफ़ी बीजेपी में काफ़ी लोग हैं जो नाराज़ हैं क्योंकि इनको दिया गया है, तो आपके हिसाब से क्या अगर संजीव नायक जी होते तो क्या ये जीतना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता? 100%, क्योंकि संजीव नायक यहाँ पे पहले भी MP यहाँ पे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, बीच में यहाँ पे उनके रीज़न के वजह से वो हार गए थे, लेकिन उनका यहाँ पे जो अपना जो उनका यहाँ पे मीरा भाईंदर बोलो, ठाणा बोलो या वाशी बोलो, यहाँ पे उनका अच्छा संपर्क था, लोगों के पास संपर्क है, और अभी जो भी अभी उम्मीदवार जब डिक्लेयर होने से पहले संजीव जी नायक हर एक इधर के नगर सेवक, बीजेपी के नगर सेवक बोलो या NCP के नगर सेवक बोलो या शिवसेना नगर सेवक, सबके पास उन्होंने मीटिंग करना चालू कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था उनको सीट मिलेगी, एंड आई थिंक सो अगर उनको उम्मीदवार देते थे तो वो 100% चुन के आते थे, क्योंकि अपने बीजेपी के उम्मीदवार थे, 100% चुन के आते थे। इनका नाम है राजन विचारे। अच्छा, हमारे थाने के MP है 10 साल से। बराबर। और ये दूसरे लोकसभा के कैंडिडेट थे थाने की तरफ से। अच्छा, तो अगर आपको मौका मिले, क्योंकि ये है उद्धव ठाकरे के शिवसेना से। हाँ बराबर। और ये है BJP प्लस शिवसेना की, शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से, अगर आपको मौका मिले ये शिवसेना वर्सेस एकनाथ शिंदे की शिवसेना, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? ये बार तो BJP आएगी। BJP आएगी। हाँ। तो BJP की तरफ से तो सर यही है नरेश मस्के। बराबर। तो ये आ सकते हैं ये बार? हाँ।
देखो अभी मालिक करेंगे तो होएगा तो आएंगे। अच्छा, बट आपका वोट बीजेपी को जाता है? पक्का। क्या आप इनको जानती हैं? राजन विचारे हैं। तो ये कौन है? उनका नहीं मालूम। ये राजन विचारे हैं। हाँ। और ये क्योंकि हम लोग एक बार है ना खाड़ी पे, भाईंदर खाड़ी पे गए तो जीतेश भाई वोरा आए थे ना, तो उनके हिसाब से हम लोग वोट में गए, तभी राजन विचारे मेरे साथ थे। अच्छा। अगले साल। और ये है हमारे लोकसभा के दूसरे कैंडिडेट नरेश मस्के। नरेश मस्के, हाँ पेपर में पढ़ा। तो इनको आप जानते हैं? नहीं नहीं जानते। कभी इनका काम या कुछ देखा है आपने? नहीं नहीं। तो अगर नरेश मस्के वर्सेस राजन विचारे है तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो राजन विचारे को पहचानते हैं, हमारा जितेश भाई वोरा है ना, उसके हिसाब से हम राजन विचारे को जानते हैं। आप इनको कभी देखे हो? नहीं। क्या इनको देखा आपने? नहीं। ये दोनों को नहीं देखा है? ये हमारे थाना के एमपी है 10 साल से। तो आप जानते हैं इनको? नहीं, मैं थाना कभी गई नहीं, मैं भाईंदर में रहती हूँ। तो ये मेरा भाईंदर भी आता है मैम थाने के अंदर। हाँ। आनंद विचारे चल रहे हैं सचिन। राजन विचारे उनका आपने काफी रैलीज वगैरह भी देखा होगा? अरे रैली वगैरह देखा, मेरा भाईंदर में उनको जानते हैं सब। और अभी वो तो नए नए प्रत्याशी, उनको कौन जानता है? नरेश मस्के को कोई नहीं जानता? अभी कौन है, वो तो थाना में रहते थे, अभी यहाँ कभी आए के। तो आपको ऐसा नहीं लगता बीजेपी की वजह से इनके चांसेस है जीतने के? वो चांसेस बीजेपी की वजह से भले हो सकता है, लेकिन जो जनता यहाँ की उनको जानती है बेचारे जी को, और हर जगह जो है बेचारे जी जो है आए गए हैं, तो उनको सब जानता है। अभी उनको तो बहुत कम जानते हैं सब। अब आने वाले चुनाव में आया है, अभी प्रत्याशी है, अब उनका जैसा अनुभव होगा वैसा उनका होगा। आप इनको जानते हैं या फिर आप इनको जानते हैं? हाँ, इनको जानते हैं? और राजन जी विचारे इनको? इनको नहीं पहचानता हूँ। ये लोकसभा के उम्मीदवार हैं थाने से, इनका नाम भी नहीं पता, नहीं कभी देखा भी नहीं है। नहीं देखा। इनका नाम है नरेश मस्के, बीजेपी और शिवसेना शिंदे वाले की तरफ से। सो वोट्स, जैसे कि इलेक्शन आ रहा है, तो आप लोग किसको प्लान कर रहे हैं ऐसा वोट करने के लिए? हम राजन जी विचारे जी को प्लान कर रहे हैं। ऐसा कोई खास रीजन? नहीं, हर साल हमको बहुत मदद करते हैं ये, कभी भी जाओ तो हमारा काम होता है इनके पास। तो कोई नया चेहरे के उम्मीद में नहीं, जैसे कि ये है नया चेहरा? तो ठीक है, अभी पहला चेहरा है, बहुत काम कर रहे हैं, तो हमको नया चेहरा काहे को मांगते हैं। क्या आप इनको जानते हैं? नहीं। तो ये है राजन विचारे थाने के एमपी। तो जैसे कि ये शिवसेना की तरफ से है, वो भी उद्धव ठाकरे जी के, और ये बीजेपी के साथ अलायंस है इनका। तो क्या लगता है इस बार कौन आ सकता है सर? राजन विचारे का ही है। इसमें 6 विधायक हैं, 6 में से कोई भी एक ही खाली उनको जानते हैं। अच्छा, अगर संजीव नायक को देते तो आना के चांसेस से? हाँ, तब वो टक्कर था बहुत, तब लड़ाई काटे भाई आती, तब लड़ाई काटे के। तो अभी मतलब अभी आपको ऐसा क्या लगता है, गेम एक तरफ है या दो तरफ है? गेम एक तरफ ही है। एक तरफ ही है। ओके, थैंक यू सर। आप राजन विचारे। ओके सर, क्यों मतलब आपको उनका कार्यकाल में क्या चीज़? जानता हूँ पहले से, यहाँ से है ना, मेरा भाई ठीक काम कर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ। और सर क्या आपको इन नरेश मस्के का ऐसा नहीं लगता है? मैं उनको नहीं जानता हूँ। उनको नहीं जानते? उन बीजेपी के साथ उनका अलायंस है, तो क्या लगता है कि वो जीत सकते हैं बीजेपी के वजह से? नहीं, मेरा भाई तो राजन बेचारे।